नमस्कार दोस्तों, आज का ये जो अपडेट है इसमें स्टाफ नर्सेज, लैब टेक्नीशियन और पैरामेडिकल स्टाफ की नई वैकेंसीज के बारे में जानकारी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। बिल्कुल, आप सभी लोग यहाँ पे हेडिंग पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है स्वास्थ्य विभाग में 1378 अतिरिक्त कर्मियों की होगी संविदा भर्ती। तो देखिए, पूरा आर्टिकल मैं आपको यहाँ पर रीड करके बताने वाला हूँ। न्यूज़पेपर के माध्यम से ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी जा रही है, तो बिल्कुल यहाँ पर समय व्यर्थ नहीं करते, सीधे से बढ़ जाते हैं अपनी जानकारी की ओर। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे लिखते हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने राज्य में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम, संक्रमित रोगियों के इलाज में आवश्यक सहयोग तथा आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए 1378 अतिरिक्त कर्मियों की संविदा नियुक्ति कलेक्टर दर पर रखने जाने की निर्णय लिया है। इसके लिए सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को अनुमति दे दी गई है। संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ द्वारा इस संबंध में जारी निर्देश में कोविड-19 के लिए सेवाएं देने के लिए पूर्ण में संविदा आधार पर रखे गए 1634 कर्मियों की सेवा अवधि में 3 माह के लिए और बढ़ाने की अनुमति भी चाही गई है। तो बिल्कुल आप सभी लोग यहाँ पर समझ चुके होंगे, 1338 जो अतिरिक्त यहाँ पर कर्मी हैं इनको संविदा के आधार पर यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा। और देखिए, कलेक्टर के दर द्वारा जो है यहाँ पे सैलरी पैकेज इसको यहाँ पे दिया जाने वाला है। और देखिए, पहले से जो है 1634 कर्मियों की सेवा जो यहाँ पे चल रही थी इसको देखिए 3 महीने को और यहाँ पे बढ़ाने के लिए अनुमति भी यहाँ पे चाही गई है। तो देखिए, वैकेंसीज यहाँ पे और भी यहाँ पे रिलीज़ होने वाली है। और देखिए, रायपुर में ये पूरा अपडेट यहाँ पे दिया जा रहा है। आगे देखिए, यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ द्वारा जारी निर्देश में जिलेवार अतिरिक्त मानव संसाधन के लिए 682 स्टाफ नर्स, 298 लैब टेक्नीशियन, 250 वार्ड कर्मचारी, 63 डेटा एंट्री ऑपरेटर एवं 125 स्वच्छता कर्मी, इस प्रकार कुल 1378 को कोविड-19 जांच लैब, कोविड अस्पतालों और कोविड केयर सेंटरों में कार्य के लिए राज्य आपदा मोचन निधि में प्राप्ति राशि एवं अन्य कोविड-19 कार्यों के लिए प्राप्त निधि के व्यावसायिक सेवा मद की राशि से आगामी 3 माह के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा निर्धारित मापदंडों एवं संविदा कलेक्टर दर पर सेवाओं के लिए किए जाने वाले अनुमति प्रदान की गई है। विभाग के अनुसार राज्य में पूर्व में कोविड-19 की रोकथाम और आपातकालीन सेवाओं के लिए 18 माइक्रोबायोलॉजिस्ट, 1020 स्टाफ नर्स, 390 लैब टेक्नीशियन, 28 लैब अटेंडेंट एवं 168 स्वच्छता कर्मी, इस प्रकार कुल 1634 को 3 माह के लिए संविदा कलेक्टर दर पर रखे जाने की अनुमति दी गई थी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इनकी सेवाओं को आगामी 3 माह के लिए और बढ़ाए जाने के निर्देश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को दे दिए गए हैं। तो दोस्तों देखिए, बिल्कुल आप सभी लोग यहाँ पर समझ चुके होंगे, संविदा के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी, जिसमें से देखिए 682 स्टाफ नर्सेज होंगी, 298 लैब टेक्नीशियन होंगे, 250 देखिए वार्ड कर्मचारी होंगे, 63 जो होंगे इसमें देखिए डेटा एंट्री ऑपरेटर होंगे और 125 स्वच्छता कर्मी यहाँ पे नियुक्त किए जाएंगे। संविदा आधार पे जो है यहाँ पे नियुक्ति दी जाएगी कोविड-19 के लिए जांच लैब, कोविड अस्पतालों में और देखिए कोविड केयर सेंटर में आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग दी जाएगी। और देखिए, जो पहले से यहाँ पे कार्य कर रहे थे करीब करीब देखिए 1300 से ज़्यादा लोग, तो देखिए इनके भी यहाँ पे 3 मंथ यहाँ पे ख़त्म हो रहे थे, तो इनको भी यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है। और देखिए, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को यहाँ पे जानकारी दे दी गई है। तो दोस्तों देखिए, पूरी जानकारी मैंने यहाँ पे कवर की है। और देखिए, ये जो इन्फॉर्मेशन है नई दुनिया न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको यहाँ पर दी जा रही है। पूरा आर्टिकल मैंने आपको यहाँ पर रीड करके बताया। उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर इस वीडियो से मिली होगी। लाइक करना इस वीडियो को, अगर लगता है कुछ ना कुछ जानकारी आपको यहाँ पर इस वीडियो से मिली है तो लाइक जरूर करें। नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा स्वास्थ्य विभाग की हर एक सरकारी भर्ती की जानकारी इसी तरीके से आगे चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को आप क्लिक कर लें। नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा स्वास्थ्य विभाग की हर एक सरकारी भर्ती की जानकारी इसी तरीके से आगे पात्र। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।